रुक्मी वंदना मृत्यु मोक्ष मामता सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ओम ह्लीं बगलामुखी सब दुष्टानं वाचं मुखं पदं संबिल ओम ह्लीं बगलामुखी सब दुष्टानं वाचं मुखं पदं संबिल पदं जीवं बुल्ले बुद्धि विनाशाय मोह फट स्वाहा स्वाहा बोल क्या समझ चलो जी बहुत बढ़िया बहुत बहुत मुबारकान जी थैंक यू सो मच जयकारा शेरा वाली दा लो जी जयकारा शेरा वाली दा जयकारा शुक्रवार माता दा दरबार की जय जयकारा माँ बाबा वाली दा दरबार की जय जयकारा माँ बाबा मुखी दा जो तकरीबन हर एक प्रोजेक्ट में जम्मू में होता है जैसे शिंदा में मेरे पीछे बड़े हुए थे तो और नहीं यूट्यूब देखो फेसबुक पे देखो इस समय फेसबुक का ना रीच फेसबुक ने खुद मेटा ने खुद ही बंद की हुई है ठीक है इस समय पैसा आएगा तो यूट्यूब बंदे को पता है कि कौन बंदा काम करने वाला कौन नहीं करने वाला नहीं पॉजिटिव मैं वेट कर रहा था मैंने ग्रुप खुला हुआ था मैंने किसे पता नहीं बीच में नजर आएगा लेकिन नजर कोई नहीं आया फिर उन्होंने वापस फोन किया भाई आपको वेट कर रहे हैं सारे मैं क्या ठीक है सर अगला बहुत आशीर्वाद इनका हमेशा रहता है हाँ वो कांग्रेस करके जो है पहले कांग्रेस में था फिर बीजेपी में आ गया था तो उसके बाद फिर वो उसको हटा दिया था ना तो तीन बार तो ये विधायक रखा दो रहा है दो बार सांसद हाँ तो इधर से जम्मू रियासी हो सकता पैसा भी कम देना पड़ता है और पे भी आज अच्छी पहुंच पे होता है पिस्कल फट रहे हैं ला ले ही सत दे शादी के चार वर्ष कर सके और समय रहते कोई अच्छा सा वर ढूंढकर किसी अच्छे घर में उसकी शादी कर सके। हरिया क्या बात, मैं सुबह से देख रहा हूँ। अरे तू गुमसम सा है, तुम थोड़ा परेशान हो, सब ठीक तो है ना घर पे? तू छोड़ ना यार, तू नहीं समझेगा यार। अरे मैं तेरा दोस्त हूँ, बता ना क्या हुआ? तू नहीं समझेगा यार विष्णु, छोड़ 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 छोड़। अरे मुझसे क्यों छुपा रहे, बोलो क्या हुआ? यार तू तो जानता है गुड़िया के पैदा होते उसकी माँ चल बसी थी, मेरी एक एक बेटी है, उसे शादी की चिंता सता रही है। वो दिन ब दिन बड़ी हो रही है, जवान हो रही है, मुझे उसकी शादी की चिंता सता रही है। मैं उसका ब्याह करना चाहता हूँ, अच्छा ब्याह करना चाहता हूँ। मेरा बस एक ही मकसद है, उसका ब्याह अच्छे से हो जाए यार। बस इतनी सी बात है? तुझे लगता है इतनी सी बात है? तू बेटी का बाप नहीं है। सुन मेरी बात, आज से तुम्हारी बेटी मेरी बेटी। मतलब ये कि मेरा बेटा तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटी मेरी बेटी, समझ गया ना? यार विष्णु क्या पहेली बुझा रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। अरे क्या यारी दोस्ती रिश्तेदारी में नहीं बदल सकती? मतलब तेरी बेटी और मेरा बेटा, उनकी शादी मेरी बेटी नहीं
अरे तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा। पर क्या तेरा बेटा मानेगा? अरे क्यों नहीं पसंद करेगा, जो मेरी पसंद है वही मेरी बेटी की। तो एक बात सुन ले, मेरी गुड़िया भी जहाँ बोलूंगा वही शादी करेगी। तो फिर चिंता किस बात की है? तो क्या हम संबंधी हो गए, रिश्तेदार हो गए? क्यों नहीं, गले लग जा यार, गले लग जा, गले लग जा। हेलो, तू सोच के बता। पता नहीं को? बगल में ही है अपने। अच्छा हाँ, जल्दी बता जरा कौन है। क्या खून? ये खून कैसा? चल मैं ना, मेरे दोस्त को क्या हो गया, काम करते करते चक्कर आया और गिर गया। देखिए ना, खून भी निकला है। डॉक्टर साहब तो नहीं है, बट उनके साथ रह रहे के हम भी आधे डॉक्टर बन चुके हैं। आइए इनका बीपी चेक कर लेते हैं। इतना ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर, तुम्हें तो कुछ भी हो सकता था। तली हुई चीजें नहीं खाना और ये शराब कम पीना। लेकिन ये कोई भी नशा नहीं करता। हाँ अरे हरिया, हरिया अब क्या हो गया इसको? मालिक पता नहीं गिर गया। इसको लेके जा, मेरे जिम्मे लगेगा इधर। जी मालिक। ले जा इसको जल्दी। इनका मुंह कैसे टेढ़ा हो गया है, इनका हाथ, ये हाथ को क्या हो गया है दादी? तू फिक्र मत कर, मेरे बच्चे। माँ जी घबराने की कोई जरूरत नहीं, समय रहते आप इन्हें हॉस्पिटल ले आए, अच्छा किया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, लकवा मार गया है, समझे? बेटा तू ठीक तो है ना? हरिया, हरिया माता रानी रक्षा कर, मुझे इसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, इसको देखिए जरा क्या हुआ। घबराइए मत, आइए आइए, चलो आइए, ले आइए अंदर। तो आप लोगों के चीखने और रोने की आवाजें सुनी तो मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए मैं अंदर आ गया। नाम नहीं सुना? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का नाम नहीं सुना? अरे माँ जी, हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत और जन औषधि केंद्र से हमारे देश के हजारों करोड़ों गरीबों का भला किया है। माँ जी आपको पता भी है, इस योजना के तहत हम 5 लाख तक की बीमारी का इलाज बिल्कुल मुफ्त करा सकते हैं, बिना कोई पैसा खर्चे। भाई कहीं तुम मजाक तो नहीं? अरे नहीं भाई नहीं, मैं मजाक नहीं ले रहा। माँ जी, बेटा हरिया, आपको कल जब भी समय मिले आप कल मेरे पास अस्पताल आओ, मैं आपका आयुष्मान कार्ड भी बनवाऊंगा और उसी समय आपका सारा इलाज भी करवा दूंगा। और बेटा राशन कार्ड की कॉपी साथ में रख लेना, राशन कार्ड तो बनवाया है ना आपने? जी भैया। दादी और बापू पढ़े लिखे नहीं है, पर मैं थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हूँ, इसीलिए एक बार जाकर मैंने राशन कार्ड बनवा लिया था। अच्छा बेटा, जब भी आओगे ना उसे साथ में जरूर रख लेना। अब मैं चलता हूँ। जी। ए आप लोग। जी। राशन कार्ड की कॉपी लाई? जी हाँ। एक काम करो, आप लोग बाहर इंतजार करो, अब इनकी जिम्मेदारी मेरी। नमस्ते सर। अरे विजय जी आप? जी सर। बताइए कैसे आना हुआ? ये हरिया है जी, काफी मुसीबत में है बेचारा। क्या? अपनी बीमारी के चलते आत्महत्या कर रहा था, वो तो अच्छा हुआ मैं पास से निकल रहा था और मैंने इसे आयुष्मान भारत के बारे में बताया,
वरना ये तो अपनी जान दे देता। अब आप इसे समझाओ आयुष्मान भारत के बारे में। ओ विजय जी, ये तो गलत हो जाता। ये तो अच्छा ही हुआ कि आप सही वक्त पर पहुंच गए और आपने कीमती जान बचा ली। हरिया, मैं आपको बताऊं, आयुष्मान भारत जो कार्ड है से लगभग 5 लाख रुपए की आपकी जितनी भी बीमारी है उसका इलाज बहुत आराम से हो सकता है। 5 लाख रुपए में आप समझ सकते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी देन हम सभी को दी है। और आपको ये बताऊं, इस देन से लाखों लोग और करोड़ों लोग अपना इलाज करा चुके हैं। इसमें घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ कुछ कागजात लगेंगे और 15 मिनट में कार्ड आपके हाथ में और तुरंत आपका इलाज हो जाएगा। 5 लाख तक की राशि सरकार द्वारा आपके इलाज के लिए दी जाएगी, जिसमें आपका इलाज पूरे तरीके से हो जाएगा और आपको परेशानी लेने की भी कोई जरूरत नहीं। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। विजय जी, मैंने इनको पूरे ढंग से समझा दिया है। अब आप इनके कागजात मुझको दीजिए, मैं 15 मिनट में इनका कार्ड तैयार करके देता हूँ। हरिया, ये तुम्हारा राशन कार्ड मेरे पास आ चुका है। 10 मिनट रुकिए, मैं तुरंत आपका आयुष्मान कार्ड बनाकर देता हूँ। ये लो हरिया, ये तुम्हारा आयुष्मान कार्ड। इसमें पूरे 5 लाख में तुम्हारी सभी बीमारियों का इलाज बड़े अच्छे से हो जाएगा। क्या कुछ कहना चाहते हो तुम? सर मैं क्या बोलूं? मैं भागा और लगातार बीमार आदमी, मैं मरने चला था। मुझे लगा ये बीमारी मुझे खा जाएगी और मेरी गुड़िया जो है वो कुमारी रह जाएगी। पर हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी हम जैसे गरीबों और लाचारों के लिए देवता बनकर आए हैं। भगवान उनके ऊपर लंबी करे। तुझसे एक बात बोलूंगा, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बस 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 हरिया, तुम स्वस्थ हो जाओगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं जल्दी से जल्दी इसका इलाज शुरू करवाता हूँ, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है। डॉक्टर, डॉक्टर साहब। विजय जी। केंद्र क्या है दादी, क्या है? नरेंद्र मोदी जी का कीजिए। हरिया से आशीर्वाद ले लो। गुड़िया खुश रहे बेटा। गीते रहो बेटा, सदा खुश रहो, सदा खुश रहो, सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। मेरे 3-4 साल से मेरी किडनी खराब थी। सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे 23 सितंबर 2018 भारत योजना भी कहते हैं और प्रधानमंत्री जी सर। बस सर, होना ज्यादा आज केसी थिएटर में नौजवान डीके केसर जी और उनकी टीम, उनको बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने आयुष्मान भारत को लेकर एक 45 मिनट की फिल्म जो है वो बनाई है। उस फिल्म के माध्यम से लोगों के बीच में ये प्रेरणा दी गई है कि हम सबको आयुष्मान स्कीम के माध्यम से जो इंश्योरेंस कवर है, भारत सरकार ने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 2018 में जिसकी पूरे देश भर में शुरुआत हुई, लेकिन जब हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो ये स्कीम हर उस इंडिविजुअल के लिए उपलब्ध है। आप लोग भी जो यहाँ पर मीडिया बंधु मेरे साथ हैं, मैं खुद भी मेरा भी अपना आयुष्मान का गोल्डन कार्ड जो है वो बना हुआ है। और ये स्कीम नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस समय में दी थी कि देश भर में आम जनता जो है
इलाज नहीं कराने के कारण, कहां दुर्लभ इलाज होता था, पैसे नहीं होने के कारण कुछ लोग जो थे हमारे बीच में से चले जाते थे। देश के प्रधानमंत्री जी ने हम सबको पूरे भारतवर्ष में तो उन लोगों के लिए जो बीपीएल परिवारों से संबंधित है, लेकिन जम्मू कश्मीर में उन हर एक इंडिविजुअल को जो है इस सुविधा जो है वो दी गई है। मेरा मानना है कि केसर जी और उनकी टीम द्वारा एक बहुत अच्छा प्रयास है, आम लोगों को प्रेरणा दी गई है कि हम सबको इस स्कीम के माध्यम से इसका फायदा लेना चाहिए। और जगह जगहों पर आज मैं देख रहा हूं कि गंगाराम में भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो दिल्ली में है, मुंबई में है, वहां पर भी, और जम्मू कश्मीर में तो लगभग सभी इंस्टीट्यूशंस जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर ये स्कीम जो है उपलब्ध है। मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज रोहित महंत रोहित जी भी आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं, विक्रम जी हैं, बाबा शर्मा जी हैं, और हमारे पूर्व कारपोरेटर मनकोटिया जी भी। और बहुत अच्छा ये लगा कि भारी मात्रा में आज हमारे मीडिया से संबंधित बंधु भी इस मूवी को देखेंगे। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि इस मूवी को देखने के बाद हम सब लोगों को प्रेरित करें और खास तौर पर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में इसका फायदा जो है आम जनता को मिले। इसके लिए मैं केसर जी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनके माध्यम से लोगों के बीच में एक प्रेरणा जाएगी। और आप सबका भी बहुत बहुत आभार। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय हिंद।